नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिन भर आपने कल महाशिवरात्रि का विशेष कवरेज खबर 24 न्यूज पर देखा। सुबह से ही हमारी टीम जो है हर धार्मिक मंदिरों पर जाकर सीधा आपको विशेष प्रसारण धार्मिक भगवान शंकर की महाशिवरात्रि का कार्यक्रम दिखा रहा था। बात करते हैं आज रविवार की दिन भर के ताजा तरीन समाचार झालावाड़ जिले मंदसौर जिले के। अब बात करते हैं सुनील से। सुनील कस्बे में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नकलंग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का डोर बना हुआ है। खास बात यह है कि गांव के लगभग 100 घरों के लोग बारी बारी से भगवान शिव की पूजा करने लाभ लेते हुए जाते हैं। इस महादेव मंदिर को महाकाल ज्योतिर्लिंग के तुल्य माना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले लोगों को कुष्ठ रोग मिटते हैं और वहाँ के मंदिर पुजारियों का कहना है कि पहाड़ों की गोद में निर्मित मंदिर की स्थित 1200 वर्षों पुराना शिवलिंग सावन मास में श्रद्धालुओं के बरबस आकर्षित करता है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी रहती है। इंदौर स्टेट की महारानी देवी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं कोटा के स्टोन व्यवसायी की पुत्री कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। व्यापारियों ने अपनी पुत्री के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे और मंदिर के भगत स्थित कुंड की मिट्टी के शरीर पर लगा ली, जिससे कि उसका कुष्ठ रोग मिट गया और व्यवसायी इस खुशी के चलते पूरे मंदिर में कोटा स्टोन लगवाई। वहीं शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां 3 दिवसीय मेले का आगाज हो चुका है। इस मेले में बाहर से दुकानदार अपना व्यापार करने आते हैं, अपनी दुकानें सजाते हैं, जिससे कि गांव की रौनक भी बढ़ जाती है। देखिए, इस वही मंदिर जो महादेव के दर्शन करने के लिए करीब 50 गांव के लोग यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर में रोजाना अभिषेक भजन कीर्तन का माहौल बना रहता है। वहीं भोलेनाथ के गुप्त ग्रह में बृहत मंदिर पर भी यहां करीब 42 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। लोगों की आस्था का यह केंद्र माना जाता है। बहानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल में एक अनूठी पहल देखते हुए नजर आई। श्रमिकों के और आरटीएम के सभी अधिकारियों द्वारा प्रबंधक महोदय के निवेदन पर 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया। मिल लेबर कॉलोनी के युवाओं श्रमिकों को एक साथ 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का टूर्नामेंट हुआ, जिसमें राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी मुख्य अधिकारी एचएम वशिष्ठ, जनरल मैनेजर राजकुमार गीते, इंद्रजीत सिंह कॉलोनी इंचार्ज आर के भट्ट, जीएस सिविल पवन रावत, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रविंद्र सिंह विवेक और सर्वेश्वर महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों और मिल अधिकारियों के बीच भाईचारा बरकरार रहे, जिसको लेकर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें मिल के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक एचएम वशिष्ठ ने भी क्रिकेट खेला और अपनी भागीदारी निभाई और आगे भी इस तरह का श्रमिकों के बीच वो सामंज बिठाकर चलेंगे और उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। भवानीमंडी पंचायत समिति के ग्राम हड़मतिया में सरपंच नाथू सिंह द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी महिलाएं श्रद्धालु भक्तजन ने भजन संध्या का खूब आनंद लिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देर रात तक चली भजन संध्या में भजन गायकों द्वारा अनेक भजनों की प्रस्तुति दी गई। सरपंच नाथू सिंह ने ग्रामीणों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अनोखा अद्भुत कार्य करते रहते हैं, वहां ग्रामीणों ने उन्हें प्रभावित भी कर रखा है। ऐसे देर रात को भजन संध्या के बाद सुबह प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये जानकारी अध्यापक राजेंद्र आचार्य द्वारा दी गई। Yeah.
नेत्रदान से समर्पित आज एक अनूठी पहल देखने को नजर आई। भवानी मंडी नेत्रदान के विगत 11 वर्षों से पूरे हाड़ौती संभाग में अनवरत कार्य कर रही है। संस्था साइन इंडिया फाउंडेशन के कार्यों से प्रभावित होकर न्यूजीलैंड में कार्यरत कोटा के मूल निवासी आशीष शर्मा एवं नवजीत शर्मा ने साइन इंडिया फाउंडेशन को एक सुसज्जित वाहन ज्योति रथ भेंट किया है, जो कि रविवार को कोटा में आयोजित कार्यक्रम में अनावरण समारोह में साइन इंडिया फाउंडेशन को न्यूजीलैंड में कार्यरत कोटा निवासी आशीष शर्मा एवं नवजीत शर्मा ने 8 लाख रुपए की मारुति कार इक्को उपहार के रूप में स्वरूप भेंट की है। इसे शाइन इंडिया फाउंडेशन संरक्षक अनुराग मलिक, नितिन गौतम अध्यक्ष, डॉक्टर कुलवंत गोड़, डॉक्टर संगीता गोड़, आई कैंप सोसाइटी ऑफ राजस्थान के टेक्निकल रिको ओझा, साइन इंडिया फाउंडेशन के भवानी मंडी निवासी ज्योति मित्र कमलेश दलाल, कोटा के विकास दीक्षित हेमंत जैन, राष्ट्रीय कवि विश्वामित्र दादीज, रामगंज मंडी के संजय विजावत, बूंदी ज्योति मित्र इर्दीस बोरा द्वारा ज्योति मित्र हितेश खंडेलवाल आदि ने प्राप्त किया। मनोर थाना में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। वहीं अमन चैन भाईचारे का पैगाम दिया। लियाकत अली ने बताया कि मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कस्बे की काजी चौक पर शिव बारात पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अबरार भाई, पूर्व सदर वाहिद खान, पूर्व सदर रफीक कुरैशी, पूर्व सदर सदर रईस आदि लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी के युवा कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार अभिमन्यु पूनिया ने शनिवार को झालावाड़ जिले के में जनसंपर्क कर एक बात समर्थन में की। इस दौरान भवानी मंडी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार पहनाकर अन्नपूर्णा माताजी मिश्रुली धाम की तस्वीर भेंट की, वहीं अभिनंदन किया। इस दौरान प्रवीण गुप्ता, तरुण आस्तोलिया, दिव्यांश सैनी, वहीं प्रखर गंगवाल, वीपी शर्मा, भेव जैन, राहुल गुजर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व देर रात को भी चलता रहा। इस मौके पर चोमेला शिवरात्रि पर आकर्षक शिव बारात ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर जनता को धन्य चोमेला के सुबह से शिवालय मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। वहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी बनाई गई। विश्व विकारों का उलझना प्राणी का चिंतन किया शिव बारात झांकी सजाई गई, जिनको चोमेला के आसपास श्रद्धालुओं ने भी दर्शन का लाभ लिया। निशक्त जन के सेवार्थ में जन सुनवाई में दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा ने बजट अनुसार मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से जाने का राज्य सरकार को धन्यवाद किया। वहीं कुष्ठ रोग मुक्त पीड़ित के रोडवेज यात्रा में 2500 रुपये दिए जाने की भी बात कही। ऐसे में बजट घोषणा के बाद निशक्त जनों के लिए काफी लाभदारी माना जा रहा है। रट्टे कस्बे में रविवार को पीपा क्षेत्रीय दर्जी समाज द्वारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। समाज के लोगों ने सभी ने मिलकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कृष्ण गौशाला में शुरू होकर गायत्री नगर होते हुए बस स्टैंड पहुंची और जहां सर्व समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। अब बात करते हैं उनेल से। उनेल सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर विश्वकर्मा गुजराती सुतार समाज सेवक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगर जिले के गांव के सुवास में संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन करने को लेकर चर्चा की गई तथा 1 मई 2023 को आगर जिले में गांव तनोड़िया में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर समाजजनों में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और बैठक में इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, उनेल समितियों के सदस्य द्वारा बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। सामूहिक रूप से सूचना दी गई थी कि सामूहिक विवाह सम्मेलन हो और उसकी एक बैठक की गई थी पुनः और समिति बन चुकी थी और जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का अंतिम रूप देने के लिए आज सुधवास गांव में यहाँ बैठक रखी गई विश्वकर्मा गुजराती समाज की, जिसमें ये तय किया गया सर्व सहमति से कि 1 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन विश्वकर्मा गुजराती समाज का रखा जाए और इसके लिए जो है तनोड़िया कृषि जो उपज मंडी है तनोड़िया में वहाँ पर इस सम्मेलन को रखा जाए
और तीसरे नंबर पर जो है प्रतिपक्ष वर वधु पक्ष और वर पक्ष से 2100 रुपए की राशि ली जाए और 21000 की राशि ली जाए। और इस प्रकार से हमारे सभी महानुभाव ने यहाँ स्वैच्छिक रूप से इस सम्मेलन को पूर्ण करने के लिए स्वेच्छा से यहाँ पर सहयोग दिया, दान दिया और तन मन धन से जो है सहयोग देने की अपील की गई है। और आज की बैठक को उपस्थिति को देखकर, उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि समाज के जो काम हैं वो अच्छे से पूर्ण होंगे। और इसके लिए मैं हृदय से शाजापुर से राजेंद्र कारपेंटर, जो कि मैं वहाँ का समाज का अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे बाबूलाल जी पास में खड़े हुए बाबूलाल जी कारपेंटर साहब रुधायड़ा वाले, ये सामूहिक युवा सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। और सभी से हंसी खुशी से आज बैठक संपन्न हुई, हृदय से सभी को धन्यवाद। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के शामगढ़ से। शामगढ़ में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर बस स्टैंड स्थित शिव हनुमान मंदिर पर शिव ओम उत्सव समिति के तत्वाधान में भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात रात्रि को महाआरती कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहीं भंडारे का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के भानपुरा से। भानपुरा विकास यात्रा के माध्यम से हम सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में देवीलाल धाकड़ वर्तमान विधायक जो है वो भूमि पूजन कर रहे हैं, वहीं समीक्षा निराकरण की कार्रवाई भी संबंधित आवेदक में अवगत करा रहे हैं। इस मौके पर वो सभी जगह यात्रा निकाल कर वहां सौगातें दे रहे हैं। भानपुरा नगर में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अनेक शिवालय भक्तों द्वारा तांता लगा रहा। वहीं देर शाम तक जहां महाशिवरात्रि के भक्तों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई, अन्य जगह कार्यक्रम किए गए, भजन संध्या की गई और पातालकोट हनुमान जी मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में बाबा भोलेनाथ का नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें भोलेनाथ के प्रतीक स्वरूप नंदी महाराज के ऊपर बैठा कर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला। मंदसौर महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव में पहली बार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती के विवाह से कुछ सुबह ग्रामवासी की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं चार भुजानाथ मंदिर स्थित शिव मंदिर शिव भक्त बैंड बाजे ढोल के साथ शिव जी के यहाँ निकले और वहीं शिव जी की सवारी निकाली गई। सदर बाजार बस स्टैंड महादेव मठ होते हुए हजार एक कलपुष के समीप रखा गया। वहीं प्रांगण में पहुंची बारात 3 घंटे तक वहां पहुंची, रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मरुखेड़ी में चौमुखी महादेव के 5 दिवसीय मेले का जल कल्याण कुंड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाशिवरात्रि के पर्व पर अचल क्षेत्र के हजारों संख्या में मरुखेड़ी महादेव दर्शन करने पहुंचे और वहीं लगातार हजारों की संख्या पैदल वहां पहुंची। वहीं वाहनों का भी जमावड़ा देखने को नजर आया। महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से दूर दराज से कई व्यापारी वहां पहुंचे और खान पीन की व्यवस्था भी की गई। लगातार खबर 24 न्यूज हर छोटी बड़ी खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा है और लगातार झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले में हर जगह से हमारे पास खबरें आती है, जो वो खबरें आपको एक विश्वास के रूप में जगाती है। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, आपका अपना चैनल हर कदम आपके साथ। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे। आतुर देसरा है मामला अब जाको पा।
साहिब ने महल बनाई बन जा रा रे बन जा रा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीर बन जा रा रे बन जा रा रे शिवलिंग